मॉर्निंग, आई एम मनीषा गुप्ता योर इंग्लिश टीचर. टुडे वेलकम बैक टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 7, डिफाइनिंग वर्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स डिफाइनिंग वर्ड, उसके बारे में डिस्क्राइब करना. मतलब कोई वर्ड दिया होता है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना होता है. वो प्लेस भी हो सकता है, थिंग, एनिमल्स, कोई भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बताना होता है. दे टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. ओके, वो उनके कलर के बारे में, साइज, उनकी शेप, उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं. तो हम इसमें यहाँ देखेंगे, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इसमें हमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज शी इज अ टॉल, TALL, GIRL, गर्ल. ये गर्ल, इसमें क्या है, सेंटेंस का क्या मतलब है? शी इज अ टॉल गर्ल. जो ये गर्ल है वो टॉल है, मतलब लंबी है. तो गर्ल लंबी है, तो इसमें टॉल, टॉल इज अ एडजेक्टिव. इसमें एडजेक्टिव क्या है? TALL, टॉल. सेकेंड इज मोहन इज अ फैट बॉय. मोहन है वो फैट है, मतलब मोटा है, मोटा लड़का है. तो इसमें क्या है एडजेक्टिव हो कि वो फैट है, तो फैट इज अ एडजेक्टिव. मोहन इज अ फैट बॉय, तो बॉय, बॉय कहता है फैट, तो फैट इज अ एडजेक्टिव. थर्ड नंबर इज दीज आर रेड फ्लावर्स. फ्लावर्स है वो कौन सी कलर के हैं? रेड कलर के हैं. दीज आर रेड फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है वो रेड कलर के हैं, तो रेड इज अ एडजेक्टिव. तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, जो वर्ड दिया है उसका डिस्क्राइब करा हुआ, उसके बारे में जो बताया है उसको हमें एडजेक्टिव बोलते हैं. तो जैसे ये फ्लावर है वो कौन से कलर के? रेड कलर के, तो रेड इज अ एडजेक्टिव. फोर्थ इज दिस इज द फर्स्ट लेसन. तो ये लेसन है कौन सा है? फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है. दिस इज द फर्स्ट लेसन. तो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सेंटेंस में से एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है, और इसको देखना है कि आपने जो वर्ड है उसमें क्या, इसके बारे में कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, तो वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं. ओके, नाउ वी डू लेसन नंबर 7, बैक एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर एडिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके पास में ब्रैकेट दिए हुए हैं. ये जो ब्रैकेट है वो क्या है? एडजेक्टिव है. ये ब्रैकेट को आप, ब्रैकेट में जो वर्ड्स है उनको आपको यहाँ पे ऐड करना है, एडिंग करना है इनको. वर्ड्स ए जो राइट है, राइट प्रॉपर वे में इसको ऐड करना है. फर्स्ट इज दिस इज अ काइट, KIT, काइट. तो इसका क्या मतलब है? ये काइट है, और ब्रैकेट में वर्ड दिया है BIG, पिक. तो इसका ये बिग आपको यहाँ पे ऐड करना है. तो हम किसके आगे ऐड करेंगे? काइट के आगे. काइट कैसी है? बिग काइट है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज अ बिग. आपको जो ये वर्ड दिया है बिग, वो आपको यहाँ आंसर में ऐड करना है. बिग, KITE, काइट. तो ये क्या बना? ये जो काइट है ये बिग है. दिस इज अ KIT, काइट. तो आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं लास्ट वर्ड के आगे आपको एडजेक्टिव ऐड करना है. दिस इज अ बिग काइट. सेकेंड वन इज शी इज अ गर्ल. ये गर्ल है, शी इज अ गर्ल, इसका मीन्स है शी इज अ गर्ल, वो गर्ल है. तो गर्ल कैसी है? गर्ल है फैट है. गर्ल इज फैट, तो हम क्या बोलेंगे? शी इज अ फैट गर्ल. पहले क्या ऐड करेंगे? फैट, देन राइट गर्ल. यहाँ पे क्या आएगा? शी इज अ FAT, फैट, GIRL, गर्ल. का क्या मतलब हुआ? जो गर्ल है वो फैट है. तो इसमें क्या एडजेक्टिव था? FAT, फैट. तो आपने यहाँ पे ऐड किया, तो इसमें क्या गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल फैट है. शी इज अ फैट गर्ल, आपने यहाँ पे फैट ऐड कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज ही इज अ बॉय. ये बॉय है. बॉय कैसा है? बॉय है, टॉल है. तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अ TALL, टॉल, दैट BOY, बॉय. बॉय है वो टॉल है, मतलब बॉय है वो लंबा बॉय है. तो यहाँ पे क्या है? ही इज अ टॉल BOY, बॉय.
Answer is C is car. A double S car and B O by boy. Walk a boy के आगे आपने क्या ऐड किया? C A double S car. जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज दे आर एनी एन मैन. ये क्या है? मैन है, बहुत सारे मैन है. तो ये क्या हम क्या है यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है ओ एल डी ओ. आपको यहाँ पे ऐड करना है तो क्या लिखेंगे हम? टी एच ई वाई जे ए आर आर देन ओ एल डी ओ. ओ एल डी मैन कैसे है? ओल्ड है, मतलब बुढ़े है. मैन दे आर ओल्ड एम ई एन मैन. आंसर इज दे आर ओल्ड का ऐड किया आपने मैन के आगे ऐड कर दिया ओल्ड एम ई एन मैन. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज दी आर बुक्स. ये बुक्स है, जो बुक्स है वो कैसी है? न्यू है. ब्रैकेट में क्या दिया? एन ई डब्ल्यू न्यू. तो बुक्स न्यू आपका ऐड करेंगे दी आर देन एन ई डब्ल्यू न्यू. जो बुक्स है वो क्या है? न्यू है, नई है. तो न्यू बुक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्ट वाले से लास्ट में जो वर्ड दिया उसके आगे ही आपको एडजेक्टिव ऐड करना है. नंबर 6 इज ही इज अ प्लेयर. पी एल ए वाई ई आर प्लेयर. प्लेयर कैसे है? गुड है, मतलब जो प्लेयर है वो अच्छे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ गुड का ऐड करेंगे प्लेयर के आगे ऐड करेंगे गुड देन पी एल ए वाई ई आर प्लेयर. ई इज अ गुड प्लेयर. प्लेयर कैसे है? गुड है. तो हमने गुड का ऐड किया प्लेयर के आगे ऐड कर दिया. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस इज अ फॉक्स. जो फॉक्स है वो कैसी है? क्लेवर है. तो आंसर इज दिस एच आई एन दिस इज अ क्लेवर का ऐड करेंगे फॉक्स के आगे ऐड करेंगे सी एल ई वी ई आर क्लेवर देन एफओ एक्स फॉक्स. आंसर इज दिस इज अ क्लेवर फॉक्स. देन नंबर 8 इज डोज आर फ्लावर्स. जो फ्लावर्स है वो कैसे है? फ्लावर्स आर रेड. ब्रैकेट में हमें क्या दिया? आर डी रेड. तो हमें यहाँ पे रेड को ऐड करना है. तो हम क्या ऐड करेंगे? फ्लावर्स के आगे ऐड करेंगे. क्या आएगा आंसर? ही टी एच ओ एस डोज देन ए आर आर क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेड आर ई डी रेड. लास्ट में क्या लिखेंगे? एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स. डोज आर रेड फ्लावर्स. फिर ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं वो लास्ट वाले वर्ड के आगे ऐड करने हैं. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड दिए हैं और ये फिलअप दिए हुए. फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस है और एक वर्ड मिसिंग है, इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है. ये बॉक्स में से करेक्ट वर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट वन इज दिस ए डबल पी एल ई एप्पल. आई एस ई एप्पल. दिस एप्पल इज एप्पल कौन से कलर का होता है? आपको पता है एप्पल इज रेड. आर ई डी रेड. तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बीच में ऐड किए थे एडजेक्टिव को और यहाँ पे हमें क्या करना है? एडजेक्टिव लास्ट में ऐड करना है. करेक्ट वर्ड को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट इज दिस एप्पल इज एप्पल होता है आर ई डी रेड. यहाँ पे क्या है? आर ई डी रेड. रेड का लिखेंगे हम आर ई डी रेड. तो आंसर क्या हुआ हमारा? दिस एप्पल इज रेड. एप्पल कौन से कलर का है? रेड कलर का है. टू नंबर इज द ग्रास इज ग्रास. आपने देखा होगा आपके गार्डन में ग्रास होती है. ग्रास मतलब आपके जो घास होती है आपने देखी है. कौन से कलर की होती है ग्रास? जी आर एस ग्रास कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ग्रास इज ग्रीन. ग्रास कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की है. द ग्रास इज जी आर डबल ई एन ग्रीन. नंबर 3 इज द स्काई इज. स्काई मतलब जो ऊपर आकाश होता है उसके आपने देखा होगा स्काई कौन से कलर का होता है. द स्काई इज ब्लू इन कलर. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बी एल यू ई ब्लू. द स्काई इज बी एल यू ई ब्लू. स्काई कौन से कलर का है? ब्लू
कलर का है? द एसटीवाई स्काई इज बी आई वी ब्लू. द नंबर फोर इज मिल्क. इज मिल्क, मिल्क आप पीते हो, मिल्क आपका, मिल्क का कलर आपको पता है. तो मिल्क का कलर होता है डब्ल्यू एच आई पी ई व्हाइट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिल्क इज व्हाइट. मिल्क कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है. तो आंसर इज व्हाइट. यहाँ ब्लैंक में हमने क्या लिखा? डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट. देन नंबर फाइव इज दी गर्ल इज. तो हमने यहाँ पे देखो, फर्स्ट रेड भी हो गया हमारा, देन ग्रीन हो गया, देन ब्लू और व्हाइट भी हमारा हो गया. अब कौन से वर्ड बचे हैं हमारे? लवली एंड न्यू. तो दिस गर्ल इज, जो गर्ल है वो कैसी है? लवली है, मतलब अच्छी है, प्यारी सी है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एल ओ वी ई एल वाई, लवली. आंसर इज दी गर्ल, जो गर्ल है वो लवली है. यहाँ क्या लिखेंगे? एल ओ वी ई एल वाई. यहाँ ब्लैंक में हमने क्या लिखा? लवली. जो गर्ल है वो बहुत अच्छी है, लवली है. दी गर्ल इज लवली. लास्ट हमारा क्या बच गया है? न्यू. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन ई डब्ल्यू न्यू. दीज की एच ई एस ई दीज चेयर सी एच ए आई आर चेयर आर. जो चेयर है वो न्यू है, एकदम नई है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन ई डब्ल्यू न्यू. दीज चेयर आर एन ई डब्ल्यू न्यू. आंसर इज एन ई डब्ल्यू न्यू.